ताहिबा बताएगी अंगद को इस झूठ की जड़। तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली इस झूठ के जाल में फंसे कैसे? मैं सब सच बताती हूँ। सीरती और मम्मी तुम्हारे बेबी और दारजी के एनिवर्सरी के फंक्शन में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फंक्शन के पासेस नहीं थे उनके पास। तभी तुम और वीर दोनों मेरी शॉप पर आए पाठ का कमरा सजवाने, और उसी के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। कल मेरा झुमका यहाँ कहीं गिर गया तो बस उसे ही देखने। जस्सी, बेबी, 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 वाहिगुरु, पानी दो। बेबी, बेबी। बे की तबीयत खराब होने पर अंगद का साहिबा और उसके परिवार पर फूटेगा और गुस्सा। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, इतना बड़ा धोखा। पाजी, इंटरनेट पे वायरल हो गया कि दुल्हन बदल गई है। तूने तो कहा था कि तुझे इंसानों की परख, देख लिया आप उसका नतीजा। मैं कहता रह गया कि जल्दबाजी में शादी मत करो, मत करो, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। शायद मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने कभी अपने पूरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ। हमें उसी दिन मना कर देना चाहिए था जिस दिन हम रिश्ता पक्का करने गए थे और सीरत देर से आई थी। सारी गलती मेरी है। नहीं परजाई, गलती सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। रब जाने कौन सी पट्टी हम सबकी आंखों पर बंध गई थी कि इनकी कोई भी चालाकियां हम में से किसी को भी समझ में नहीं आई। ये जो खबर इंटरनेट पर चल रही है ना, इससे लुधियाना नहीं पूरे पंजाब में हमारी इज्जत उछल जाएगी। राड़ों का बनाया हुआ नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा मान, हमारा बिजनेस सबको धक्का पहुंचेगा। क्या कहेंगे लोग कि हीरो की परख करने वालों को बंदों की परख करनी नहीं आई। साहिबा मांगेगी पूरी ब्रार फैमिली और स्पेशली अंगद से माफी। मैं जानती हूँ कि आप सबके साथ बहुत बुरा हुआ है और जाने अनजाने में हमारा पूरा परिवार उसमें शामिल था, इसलिए मैं पूरे ब्राड परिवार से और खास करके तुमसे अंगद एक बार फिर से सीरती की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। साहिबा की बात सुनकर अंगद का फूटेगा साहिबा पर गुस्सा। तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज नहीं सुनना है मुझे। सब कुछ समझ में आ गया, मुझे सब पता चल गया है। अपनी बहन को आगे रख के ये सारी प्लानिंग तुमने की है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, यकीन करो। मैं सच के सच। कितने बेचरम लोग हो तुम तो।